ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाए गए श्री शिव महापुराण का रिव्यू करने वाले हैं। यह मुझे 1250 में मिली है। आप इसे 1000 से लेकर 1300 के बीच में अलग अलग सेलर से बाय कर सकते हैं। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये प्लास्टिक की रैप के बाद इस पर बबल रैप किया गया था, उसके बावजूद इसका कॉर्नर जो है वह थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा यह अच्छी कंडीशन में थी। इसके दो खंड प्राप्त हुए हैं। पहले खंड में दो भाग हैं, दो अलग अलग संहिताएं हैं और काफ़ी डीपली सब कुछ बताया गया है। शुरुआत में ही छठे अध्याय में इसमें बताया गया है कि श्री शिव महापुराण सुनते समय आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, या कहते समय आपको कैसे बैठना चाहिए, क्या सर पर पगड़ी पहननी चाहिए, इस तरह के अलग अलग नियम जो हैं वो इसमें बताए गए हैं। बहुत अच्छे से इसमें नंदीश्वर जी की कथा और चंचुला देवी की कथाएं, ये सब कुछ बताया गया है। ब्रह्मा जी द्वारा हिमालय पर क्या क्या प्रश्न किए गए, क्या क्या जवाब भगवान ने दिए, वो सब कुछ बताया गया है। दूसरे खंड में इसमें 5 संहिताओं का जिक्र है, बेलपत्र, रुद्राक्ष और द्वादश ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुए, ये सब बहुत डीपली बताया गया है। संस्कृत के श्लोक इसमें बताए गए हैं, 24,000 श्लोक जो है श्री शिव महापुराण में है और उनका हिंदी में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। पहले आपको पहला खंड पढ़ना है, उसके बाद दूसरा खंड पढ़ना है। ये एक नियम के साथ पढ़नी है। इसका पूरा इसमें शुरू के कुछ पन्नों में बहुत अच्छे से इंडेक्स भी बताया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत ही साफ सफाई के साथ लिखा गया है। बुकमार्क के लिए इसमें ये धागा दिया गया है, जिस भी पन्ने पर आप पहुंचे हैं उस पर आप इसे लगा सकते हैं, एज अ बुकमार्क इसे यूज़ किया जा सकता है। दोनों में इसे इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद इसको पढ़ने का जो इसका नियम वगैरह सब कुछ बताने के बाद, इसके दूसरे खंड में भी मैंने बताया कि बहुत सुंदरता के साथ सारी कथाओं का जिक्र है और इसमें जो भगवान शिव की जो अलग अलग तस्वीरें भी बहुत अच्छे से दी गई हैं। कई तस्वीर में बताया गया है कि किस प्रकार से शिवजी भगवान ने विष्णु भगवान को जो है चक्र प्रदान किया और माता की अलग अलग तस्वीरें दी गई हैं। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छी श्री शिव महापुराण है। इसमें एक जगह कहा गया है कि आपको यह मानकर चलना है कि यह कोई पुस्तक नहीं है, इसको आपको यह मानकर चलना है कि आपके घर में श्री शिवजी जो है उसको शिवजी का रूप मानकर आपको इसे पढ़ना है और इसको एकदम अपने मन में उतारना है, ऐसा इसमें एक जगह लिखा गया है। इसके अलावा इसमें रामेश्वरम, सोमनाथम, केदारेश्वरम, काशी, सभी ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी भगवान से जाकर संवाद करते हैं, यह सारी चीज़ें बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित हैं। तो आप इसको बिल्कुल खरीद कर अपने जीवन में ला सकते हैं, अपना सकते हैं और अपने जीवन का एक नियम बना सकते हैं इसको पढ़ने का। कहीं कहीं पर चित्रों के साथ बहुत ही सुंदरता के साथ इसमें वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदरता के साथ सब कुछ दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग के चित्र इसमें दिए गए हैं और सारी फोटो बहुत ही क्लियर है। पेपर की जो क्वालिटी है वह भी बहुत अच्छी है। गीता प्रेस हमारे भारत की नंबर 1 प्रेस है, जो हमारे पुराणों संहिताओं को भारत की और दूसरी विदेशी भाषाओं में भी कन्वर्ट करती है। 2017 में श्री शिव महापुराण का जो है पहला खंड तैयार किया गया था, जिसको हिंदी में लिखने में काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद 2018 में इसका दूसरा खंड तैयार हुआ था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। श्री शिव महापुराण का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से आप इसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट गीता प्रेस से भी बाय कर सकते हैं, सनातन.com से।